पहली मीटिंग में बॉयफ्रेंड से कोई ऐसे रूड बात करता है क्या? गर्लफ्रेंड से जब पहली बार मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। तुम्हें किसी भी चीज की कुछ भी जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बताना। खुशी से आज तक जितना भी पैसा मिला है ना, तो हमने बराबर बांटा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो मम्मी मैं फेल हो गई। हाँ 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 सॉरी मम्मा, मैं पढ़ाई कर लूंगी। हाँ कहाँ बिजी थे? था कुछ पर्सनल काम, और रही तुम्हारी याद की बात तो वो तो रोज आती है। तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बहुत अच्छी। अच्छा तुम्हें याद है हमें कितने दिन हो गए यूं चैटिंग करते हुए? छह महीने। तो ये कि अब हमको मिलना चाहिए। नो, जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक नहीं। प्लीज यार, एक बार मिलते हैं ना। नो, कम से कम कॉल पे तो बात कर ही सकते हैं ना, प्लीज। Thank you.
हेलो सुयश, मैंने बोला था ना कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। ओके। दूध वाला 2000, केबल वाला 500, नेट बिल 600, मेड 1000। वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय बाय। पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, मैं निकाल लूंगी 10,000। बाय। कोई है? मैं केबल वाला हूँ भाई, अपना पेमेंट लेने आया हूँ। कोई है? हेलो, कोई है? मैं केबल वाला हूँ। अरे कोई है क्या? अरे नहीं बहन जी, मैं केबल वाला। अरे आपने पैसे लेने आयो 500 रुपए? केबल वाला, केबल वाला 500 रुपए लेने आयो। 500 रुपए केबल वाला। खुशी। सुयश तू? आप? मैं। लेकिन हमने डिसाइड किया था ना, हम एग्जाम्स तक नहीं मिलेंगे। देखो मुझे पता है कि तुमने मना किया था मिलने के लिए, पर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए तुमसे मिलने चला हुआ। तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। अच्छा, पहले मनमानी करो और फिर सॉरी बोल दो। अरे तुम तो अजीब ही हो, मतलब पहली मीटिंग में बॉयफ्रेंड से कोई ऐसे रूड बात करता है क्या? बॉयफ्रेंड? क्यों, नहीं बन सकता? या जस्ट फ्रेंड्स? हाँ पता है मुझे, ये हर लड़कियां ना एक ही से बात करती हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। 6 महीने से चैटिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे पता है तुम ना मुझे पसंद करती हो, बस जताती नहीं हूँ। अच्छा इतना सब पता है, लेकिन ये नहीं पता कि गर्लफ्रेंड से जब पहली बार मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। ऐसा है क्या? शायद कुछ तो लाया है मैं। आई लव यू खुशी। थैंक यू। वेलकम। वो अरे 4 बज गए, मॉम डैड घर पे वेट कर रहे होंगे, सीरियस मुझे जाना पड़ेगा। बाय। अरे पर खुशी, आई लव यू टू। हाय, कैसे हो?
मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं, जब से तुमसे मिला हूँ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। नींद क्या, सब चीज गायब हो गया है। अच्छा जी, ये कि तुम्हारे पीछे कौन है? अरे वो एक्चुअली मेरा दोस्त है समर, रूममेट। अरे क्या हो गया खुशी? अरे तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? यार कहाँ चली गई तुम? अरे वो मॉम आ गई थी यार। मॉम? तब तो बहुत ज्यादा डांट पड़ी होगी। नहीं एक्चुअली वो मेरे मॉम डैडा वो ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। सॉरी फॉर पेरेंट्स। इट्स ओके। वैसे मॉम को पता नहीं चला कि कॉल चल रहा है, फिर भी मैं थोड़ा डर गई थी। अच्छा वो सब छोड़ो, मिल कब रही हो? जब तुम चाहो। तो कल मिले? ओके ठीक है, मेरे रूम पर। ओके क्यों? अरे क्यों क्या, कल समीर ऑफिस चला जाएगा, फिर मैं अकेला रहूंगा, हम लोग आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। देखो मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम चुपचाप मेरे घर पर आओ। अच्छा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा शिवेश मैं ना अभी रखती हूँ, बाय। अरे सुनो तो थोड़ी देर और बात कर लो ना। वो मुझे ना पढ़ाई करनी है तो मैं बाद में बात करती हूँ। अरे आई लव यू। आई लव यू टू। क्या भाई सुरेश, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे नहीं नहीं आज तू जा। क्यों भाई, किस खुशी में? आज कोई घर पे आने वाली है। ओ कौन आने वाली है? अबे समझ ले कि तेरे भाई की गर्लफ्रेंड। क्या बात है, लगता है तेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही समझ। आज रात को बियर पार्टी तो बनती है। अबे बिल्कुल मेरे तरफ से। रुक मैं देखता हूँ। चल ठीक। वो सुयश। सुयश करो। खुशी तुम इतना जल्दी? अच्छा इससे मिलो, ये मेरा फ्रेंड है समीर। समीर खुशी। हाँ तो ये खुशी है। चल सुयश मैं चलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। चल बाय बाय खुशी। बैठो बैठो, अपना ही घर समझो। अच्छा ये बताओ कुछ लोगी, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक? नहीं बैठो ना। तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? है ना, मेरी माँ है, पापा हैं, बस यहाँ रहते नहीं है। दरअसल मेरी माँ को कैंसर है, पापा उनके साथ ही रहते हैं, उनका देखभाल करते हैं, पर बचा मैं। यहाँ पे मैं गारमेंट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, पैसों की जरूरत है ना, जो मैं कमाता हूँ उसी से माँ का इलाज होता है। I'm so sorry सुयश, मुझे पता नहीं था, बहुत फिक्र होती होगी ना माँ की। कुछ ज्यादा ही, पर क्या करूं, लेकिन मैं आज खुश बहुत ज्यादा हूँ। क्यों? क्योंकि जिससे प्यार करता हूँ ना मैं, वो मेरे पास बैठी है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। सच्ची? सच्ची बहुत ज्यादा।
हेलो पहुंच गए? हाँ अभी जस्ट पहुंची हूँ। गुड, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, वो आवाज को क्या हुआ? नहीं नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। अच्छा मैं ना बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो। मेरी फ्रेंड है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. खुशी, तुम क्यों अचानक? क्यों नहीं आ सकती? अब नहीं, मेरा मतलब कि तुम अचानक यहाँ कैसे? वो मैं तुम्हें कल रात से फोन लगा रही हूँ पर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई इसलिए मैं चली आई। वैसे तुम्हारा फोन है कहाँ? अब वो फोन कहीं गिर गया है मेरा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वो माँ की तबीयत बहुत खराब है इसीलिए गांव जाना पड़ रहा है। अचानक से सब ठीक तो है? अब वहां जाऊंगा तो पता चलेगा, देखते हैं। अच्छा तुम्हें किसी भी चीज की कुछ भी जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, अभी तुम जाओ, वहां जाकर मैं सारी बातें बताता हूँ। ठीक है, चलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुयश से मिलकर आ रही हो? आप बेचारा बहुत परेशान है। हाँ परेशान तो है, वो क्या है ना उसकी माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने 1,00,000 रुपए इंतजाम करने को बोला। कंपनी में बात चल रही थी पर उन्होंने भी मना कर दिया, इसलिए उसने कल तो अपना मोबाइल भी बेच दिया। क्या, उसने अपना मोबाइल बेच दिया? हाँ, पैसों का इंतजाम करने के लिए। और कल तो किसी से बात भी कर रहा था अपनी किडनी बेचने की। क्या किडनी? हाँ देखो, अगर तुम उसकी कोई मदद कर सकती हो तो अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा। अच्छा मैं चलता हूँ, उसको स्टेशन छोड़कर आना है। बाय बाय। खुशी तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, तुमने मुझसे पैसों वाली बात क्यों छुपाई? वो खुशी वो मैं तुमसे कैसे? कुछ मत बोलो, ये लो पूरे 1,00,000 है। शिप, इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई तुम? तुम इन सब बात की टेंशन मत लो, तुम बस माँ का इलाज करवाओ। देखो खुशी, ये पैसे मैं तुमसे नहीं ले सकता, सॉरी। अरे रख ले भाई, ना ज्यादा चिंता मत कर और अभी माँ के इलाज की चिंता कर। समीर ठीक कह रहे सुवेश, तुम ये पैसे रख लो और जब भी तुम्हारे पास होंगे तुम आराम से लौटा देना। खुशी, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये पैसा मैं लौटा दूंगा बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जल्दी चल भाई, ट्रेन छूट जाएगी।
टाइम हो गया। हाँ मुझे भी कॉलेज के लिए निकलना है। चल क्या हुआ पापा? मुझे नहीं पता। खुशी, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये पैसा मैं लौटा दूंगा बहुत जल्द। सुयश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? खुशी अचानक से यहाँ? वो तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। समीर तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है। रात में कितनी बार फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो खुशी रात को थोड़ा जल्दी सो गया था इसलिए उठा नहीं पाया। क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हो। हाँ वो मॉम एंड डैड को पैसों के बारे में पता चल गया। शिट। अब वो पूछ रहे हैं कि सारे पैसे कहाँ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या जवाब दिया। देखो खुशी, मैं जानता हूँ कि तुम प्रॉब्लम में हो इसलिए मैंने लोन के लिए भी अप्लाई किया है। 5 लाख रुपए मिलने वाले। वैसे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? वो बैंक को सिक्योरिटी चाहिए तभी फंड रिलीज करेगी। सिक्योरिटी? जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए जो मुझे डिपॉजिट करने, और मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। खुशी देखो, बस तुमसे एक रिक्वेस्ट थी, सिर्फ लास्ट बार मेरे लिए, बस 50,000 की हेल्प कर दो प्लीज। लेकिन सुयश मैं कैसे कर पाऊंगी, मैंने तो ATM भी पापा को दे दिया है अब। अच्छा अगर तुम पैसे की हेल्प नहीं कर सकती तो प्रॉपर्टी का कर सकती हो, जैसे कि गाड़ी, ज्वेलरी, कुछ भी हो। देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में एटलीस्ट ज्वेलरी तो होंगी, तुम बस वो लेकर आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस जैसे ही मेरा फंड रिलीज होगा ना मैं तुम्हें अगले दिन ही पैसा दे दूंगा। प्रॉमिस, बस लास्ट बार प्लीज। We'll be right back.
मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आ, बाद में। आ, आ। ये मम्मी की ज्वेलरी है, मैं बिना बताए उन्हें लेकर आई हूँ। खुशी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो कल तक पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, बस ये जाकर आज डिपॉजिट करूंगा, कल तक पैसे मिल जाएंगे, प्रॉमिस। ये ले पैसे पे कट, और जितना दे रहा हूं ना चुपचाप रख ले, ज्यादा डरा मत कर। भाई ये क्या दे रहा है? खुशी से आज तक जितना भी पैसा मिला है ना तो हमने बराबर बांटा है, तो इस हार का पैसा भी आधा ही बांटेंगे। आधा करता क्या है तू? खुशी से प्यार मैं करता हूं, उससे प्यार का नाटक करके ना पैसे मैं ऐंठता हूं। तू क्या करता है जो तुझे पैसे चाहिए? भूल मत बेटा, खुशी के बारे में किसने बताया था? मैंने, वरना तो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। और जब खुशी ने पहली बार पैसे दिए थे किसके उकसाने पर? मेरे ना, भले वो तेरे कंट्रोल में हो पर प्लान किसका था? मेरा। तो क्या पूरी जिंदगी तुझे आधा हिस्सा देता रहूं? देख तूने एक बार मेरी हेल्प की थी और उसका पैसा मैं दे चुका हूं,
अगर 25% चाहिए तो बोल, वरना वैसे भी तेरी कुछ जरूरत नहीं मुझे। जरूरत तो पड़ेगी बेटा, जब वो खुशी नहीं रहेगी ना तब जरूरत पड़ेगी। और रही बात हिस्से की, तो वो तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी दे रहा है तू? कुछ भी समझ। अबे धमकी दे रहा है, निकल यहाँ से, निकल, तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अबे हाँ, चल 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 चल, निकल। खुशी तू आओ। क्या हुआ, इतना अपसेट नजर आ रही हो? खुशी तुम टेंशन मत लो, आज शाम तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चल खड़े मत रहो, आ जाओ बैठ। कितना झूठ बोलोगे सुयश, मैंने कभी सोचा नहीं था इतने भोले भाले चेहरे के पीछे इतना कमीना इंसान होगा। वो मतलब हमारी सारी बातें तुमने सुनी। अच्छा है, बहुत बड़े। हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अपनी मम्मी पापा से झूठ बोला, अपने ही घर में चोरी की, तू मुझे सर धोखा दिया। अरे तू है तुम जैसे इंसान। कल तो मैं जाऊंगी, पर पहले मुझे मेरे पैसे और नेकलेस दोनों चाहिए। अच्छा पैसे चाहिए, जा नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगी? मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगी। हाँ, क्या जाकर बोलेगी वहां पर? हाँ ये भूल मत कि तेरे साथ मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, तूने अपने मर्जी से मुझे पैसे दिए। याद है ना तो तूने मेरे साथ मजे लिए, उसका क्या? हाँ वो भी जाकर बताएगी क्या? नहीं काम करता हूँ, तेरे गूंगे बहरे माँ बाप को ना मैं जाकर बताता। तेरे हाथ पर कुछ ज्यादा चल रहे हैं। एक बात याद रख, तू जैसी लड़कियां ना मैंने बहुत देखी है। चल निकल। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। आपने फोन किया था? हाँ सर मैंने ही फोन किया था। आइए सर आइए। मर्डर शायद गला घोट कर किया गया है। यादव फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आप कौन हो? सर मेरा नाम समीर है। यहीं रहते हो? हाँ सर, मैं सुयश का फ्रेंड हूँ और उसका रूममेट हूँ। कल जब ये सब हुआ तब कहाँ थे? मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूँ, कल मेरी नाइट शिफ्ट थी तो मैं वहीं था। तो जब सुबह आया तो सुयश मरा पड़ा था, तभी मैंने आपको कॉल किया। इसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या किसी से कोई दुश्मनी? क्या हुआ, कुछ छुपा रहा है क्या? देख तू अगर यहाँ कुछ नहीं बोलेगा तो थाने ले जाके पूछताछ करेंगे, इससे अच्छा तू यहीं कुछ बोल दे। ए, लेके चलो रे इसे। नहीं, नहीं, सर, सब बता। सर, मेरा और सुयश का झगड़ा हुआ था। अच्छा तो इसलिए तूने इसे मार दिया? नहीं सर मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? अरे बोल। सर सुयश की एक गर्लफ्रेंड है खुशी, सर उसी ने मारा होगा। क्यों, वो क्यों मारेगी इसे? सुयश उससे प्यार नहीं करता था, वो तो बस उससे पैसे ऐड रहा था। आई लव यू खुशी। पूरे 1,00,000 है। अगर 25% चाहिए तो बोल,
वरना वैसे भी तेरी कुछ जरूरत नहीं मुझे। जरूरत तो पड़ेगी बेटा, और रही बात हिस्से की तो वो तो मैं लेकर रहूंगा। पर वो झगड़े के बाद मैं कंपनी चला गया, सुबह आया तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। सर खुशी ने उसका खून किया है, मैं बेकसूर हूँ सर। तुम लोग भोली भाली लड़की को थकते हो, उनका फायदा उठाते हो और कहता है बेकसूर हूँ। ए, ले चलो इसको यादव। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दीजिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। समीर सच कह रहा है, सुयश और समीर दोनों ने मिलकर मेरा फायदा उठाया है और अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर सुयश मुझसे पैसे ठगता रहा और मैं पागल ये सोचती रही कि वो मुझसे प्यार करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने गुस्से में आके उसे मार दिया हो? नहीं सर, सुयश से झगड़ा होने के बाद मैं सीधा घर आ गई थी और तब से घर पर ही हूँ। आप लोगों को पता था खुशी और सुयश के रिलेशन के बारे में? सर वो मेरे मॉम एंड डैड ना ही बोल सकते और ना ही सुन सकते, और उन्हें नहीं पता था सुयश और मेरे रिलेशन के बारे में। ठीक है, जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक आप लोग शहर के बाहर नहीं जाएंगे। जी सर। यादव। यस सर। मुझे खुशी की और पूरी फैमिली की जानकारी चाहिए, और हाँ ये सुयश जहाँ पे रहता था एक बार चेक करो वहाँ सीसीटीवी है क्या, अगर है तो उसका फुटेज चेक करो। जी सर। पापा मम्मी कहाँ है तुम्हारे? अरेस्ट कर लो इन दोनों को। क्या हुआ सर, मॉम एंड डैड को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? इन्होंने ही सुयश का खून किया। नहीं 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 सर, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे मॉम एंड डैड कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास सबूत है, उस रात तुम्हारे मॉम डैड सुयश के घर गए थे, सुयश के घर के सामने जो एटीएम है उसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, तुम खुद देख सकती हो। इनसे पूछो इन्होंने सुयश को क्यों मारा। पापा क्या ये सच बोल रहे हैं? खुशी अपने पेरेंट्स से बोलो कि अपना कन्फेशन रिटेन में लिख के दे। पापा इनको अपना क्राइम कन्फेशन रिटन में चाहिए। हाँ हमने ही सुयश को मारा है, क्योंकि उसने हमारी बेटी का दिल तोड़ा, उसका फायदा उठाया, उसे रुलाया भी। कितनी भोली भाली बच्ची है, हमारा कितना ख्याल रखती है, आज तक उसने हमसे कभी झूठ नहीं बोला। और सुयश, सुयश की वजह से वो हमसे झूठ बोली, सुयश की वजह से उसने चोरी की, उसने हमें बता दिया, हमें समझ में आ गया कि सुयश खुशी की मासूमियत का फायदा उठा रहा है। एक दिन मैंने खुशी का पीछा किया और सुयश के घर तक गया, सुयश ने उसको थप्पड़ मारा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ,
और मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने बात की और रात को सुरेश के घर गए। जी खुशी के मम्मी पापा। अरे नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए, पानी पानी लेके आता हूँ आप लोग। सुयश ने हमारी बेटी के साथ धोखा किया, चोरी करवाई, हमने सुयश के साथ जो किया बस इसी वजह से किया, और इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। खुशी अपने पेरेंट्स से पूछो ये कन्फेशन इन्होंने सही लिखा है। पापा ये कन्फेशन जो लिखा है वो सही है? याद आओ अरेस्ट कर लो इन दोनों को। आ 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